बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स वेलकम टू मोहिउद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन एंड वी आर हियर विद केमिस्ट्री एमडी कैट यूएचएस लेक्चर नंबर 29 एंड यूनिट नंबर 7 इक्विलिब्रियम और इसमें हम प्रैक्टिस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स पूरे यूनिट के एमसीक्यूज को हम एक तरतीब से डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट Kc of following N2O4 N2O5 2NO2 plus O2 change with option alpha it is pressure, option beta it is volume, option charlie it is concentration and option delta it is temperature. Students equilibrium constant kc kw kp pka pkb kb ka jitne bhi equilibrium constant hain they are only temperature dependent. So option is option delta. Second is which change decrease amount of steam in 2H2O liquid goes to 2H2 2H2 gas plus O2 gas और यहां पर लिक्विड की बजाय गैस लिखते हैं. For water gas and it decomposes into hydrogen and oxygen gas. Question है which change decrease the amount of steam. Add catalyst option beta, add oxygen Charlie, increase pressure and delta, increase temperature. स्टूडेंट्स कैटलिस्ट ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मोल्स को चेंज ही नहीं करता, वो स्टोइकोमेट्री को चेंज ही नहीं करता. ऐड ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो वो रिएक्टेंट की तरफ आ जाता है. और स्टीम किस तरफ है? रिएक्टेंट की तरफ है. इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर बढ़ाए तो लोअर मोल की तरफ अगेन वो रिवर्स आएगा, स्टीम बढ़ेगी. इंक्रीज टेम्परेचर, स्टूडेंट्स ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जितनी भी डीकम्पोजिशन होती है वो एंडोथर्मिक होती है. ये चूंकि एक एंडोथर्मिक चेंज है, इसका टेम्परेचर बढ़ाने से ये रिवर्स डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और स्टीम की वैल्यू कम हो जाएगी. सो ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच इक्विलिब्रियम Kp is greater than Kc. Alpha is H2 plus F2. It gives 2HF. Beta is N2 plus 3H2. 2NH3. Charlie is N2O4. It forms 2NO2 and delta option is PCl3 plus Cl2 PCl5. Students ये सारे reaction in gas phase हैं. तो अब बताएं Kp greater than Kc कैसे होगा? Kp is equal to KcRT
इसकी पावर डेल्टा एन। स्टूडेंट्स अगर प्रोडक्ट ज्यादा हो तो के पी ज्यादा होता है, तो आप इसमें देख लें कि किस रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा है तो के पी वहां पे ज्यादा होगा। इट्स ऑप्शन चार्ली, क्योंकि यहां पे 2 मोल है और रिएक्टेंट सिर्फ 1 मोल है, तो प्रोडक्ट के पी इज ग्रेटर देन के सी व्हेन प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन रिएक्टेंट्स। तो ये ऑप्शन चार्ली हो गई। नेक्स्ट एमसीक्यू है पीकेए डब्ल्यू वैल्यू इज डैश अबव 25 सेल्सियस मोर देन 14 बीटा लेस देन 14 चार्ली 1.01 × 10⁻¹⁴ एंड डेल्टा इज 14। स्टूडेंट्स के डब्ल्यू क्या होता है, के डब्ल्यू को आप 10⁻¹⁴ लेते हैं, जब आप पी के डब्ल्यू लेंगे तो ये नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू है −14, इट्स आंसर बिकम 14। अगर ये आंसर कब आएगा, जब आंसर 25 सेल्सियस होगा। स्टूडेंट्स जब 25 से ज्यादा करेंगे तो के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी लेकिन पी के डब्ल्यू की वैल्यू कम होगी। पी जब भी आता है तो ये उसके इनवर्स को शो कर रहा होता है, तो इट वुड बी लेस देन 14। वो कैसे, 10⁻¹⁴ कितने पे है, 25 पे है। सपोज वैल्यू लिख रहा हूं 40 पे, हो सकता है ये 10⁻¹⁰ हो गई, तो ये वैल्यू बड़ी है। देखने में ये नंबर छोटा लग रहा है लेकिन नेगेटिव में है तो ये बड़ा है नंबर, तो 10⁻¹⁰ इज ग्रेटर। तो जब इसकी नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, तो वो 14 से लेस ही होगी ना। इट्स आंसर इज लेस देन 14। नेक्स्ट है इंक्रीज टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन ऑप्शन अल्फा ऑल्टर्स के सी बीटा चेंज के पी चार्ली चेंज मॉलिक्यूलर स्पीड डेल्टा नन ऑफ दीज एंड ईटा इज ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स टेम्परेचर बढ़ने से केसी चेंज होता है, यस होता है। एंडोथर्मिक में केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है और एक्सो में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। चेंज के पी, यस के पी भी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है, ये भी होगा। चेंज मॉलिकुलर स्पीड, यस काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो स्पीड भी चेंज होगी, सो ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। के सी वैल्यू डैश रिएक्शन गोज टू इक्विलिब्रियम अर्लियर, किस के सी वैल्यू का इक्विलिब्रियम जल्दी कायम होगा, 10⁻³, 10⁻¹⁰, 10⁻¹⁵ एंड डेल्टा 10⁻¹⁔⁰। स्टूडेंट जिसकी के सी वैल्यू वेरी वेरी लो होगी उसका इक्विलिब्रियम टाइम बहुत ही थोड़ा होगा और जल्दी जल्दी इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा, देन ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। ये पिछले लेक्चर्स में आपको डिटेल से हिंट दिए गए हैं। Which statement is correct?
पी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन, और ये 25 सेल्सियस की बात है। पी एच इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू फॉर बेसिक सोल्यूशन चार्ली, पी एच इज लेस देन 1/2 ऑफ पी के डब्ल्यू फॉर एसिडिक एंड डेल्टा इज ऑल करेक्ट। स्टूडेंट्स पहली बात पी के डब्ल्यू कितना है, एट 25 इट इज 14, हमने ऊपर भी एक एमसीक्यू में बात की है। अब पी एच कितनी है, पी एच 25 पे 7 है। पी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू क्या होगा, 7 न्यूट्रल के लिए ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड देखें, पी एच इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू का हाफ 7 है और पी एच बेसिक के लिए 7 से ज्यादा होनी चाहिए, यस ये भी ठीक है। पी एच एसिड के लिए 7 से कम होनी चाहिए, ये भी ठीक है। सो ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट एडेड टू एक्वस बेरियम क्लोराइड, ए जी एन ओ 3 एडेड टू एक्वस बी ए सी एल 2 अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्रिक रेशो टू स्टोइकोमेट्रिक रेशो। प्रेसिपिटेट रिमूव्ड सॉल्यूशन कंटेन आयंस, ऑप्शन अल्फा इज सिल्वर आयन एंड नाइट्रेट आयन, ऑप्शन बीटा सिल्वर आयन बेरियम आयन और नाइट्रेट आयन। चार्ली, बेरियम आयन और नाइट्रेट आयन एंड डेल्टा इज बेरियम नाइट्रेट और क्लोराइड आयन। स्टूडेंट्स हमारी बुक में ये एमसीक्यू है लेकिन वहां पर स्टोइकोमेट्रिक रेशो के हिसाब से नहीं है, वहां पर एक्सेस है। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। अब आप ये समझें, स्टोइकोमेट्रिक क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, सिंपल इज दैट। कि AgNO3 इसके आयन क्या होंगे, सिल्वर पॉजिटिव प्लस क्लोराइड नेगेटिव, इसमें आप BaCl2 डाल रहे हैं, इसके बेरियम पॉजिटिव 2 आयन होंगे और क्लोराइड 2 क्लोराइड माइनस 1 आयन होंगे, इसमें बना AgCl, ये सॉलिड है और यही पीपीटी है, प्लस BaNO3 ट्वाइस। स्टूडेंट्स इसके आयन क्या बनेंगे, बेरियम प्लस 2NO3 आयन। जब आप कहते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो 2AgNO3 चाहिए फॉर 1 मोल ऑफ BaCl2, 2AgCl बनेगा और BaNO3 बनेगा। तो स्टूडेंट आप ये देखें कि 2 सिल्वर थे और 2 क्लोराइड थे, जब पीपीटी निकाला तो 2 सिल्वर भी निकल गए, 2 क्लोरीन भी निकल गए, ठीक है। और अब आप ये देखें, सॉरी यहां पर मैंने NO3 लिखना है, 2NO3 माइनस 1 और क्लोराइड राइट पे लिखे हुए हैं, यहां पे क्लोराइड है। स्टूडेंट दोनों सिल्वर भी यूज हो गए, दोनों क्लोरीन भी यूज हो गए, मैंने इसमें बॉक्स में लगा दिया कि ये पीपीटी में लादा हो गए। अब बाकी क्या बचा सॉल्यूशन के अंदर, BaNO3, तो उसमें क्या होएगा, बेरियम पॉजिटिव 2 आयन और NO3 माइनस 1 आयन।
सो ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। स्टूडेंट जो एमसीक्यू बुक में है उसमें एक्सेस की बात की गई है कि एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया, तो अगर सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में होते तो सिल्वर क्लोराइड निकल जाता, क्लोरीन सारे खत्म हो जाते, लेकिन सिल्वर खत्म ना होता तो सिल्वर आयन भी उसमें मौजूद होते, तो फिर आप कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट करते? ऑप्शन बीटा। यहां पर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया था, आई होप सो कि आप ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BiCl3 प्लस वाटर, इट फॉर्म इक्विलिब्रियम BiOCl प्लस 2HCl। BiOCl डिसअपियर व्हेन एड वाटर बीटा, रिमूव HCl चार्ली, रिमूव BiCl3 डेल्टा, एड HCl ईटा ऑल, एफ ऑप्शन सी एंड डी। स्टूडेंट्स अगर वाटर ऐड करेंगे तो ये फॉरवर्ड जाएगा तो BiOCl और भी ज्यादा बनेगा, रिमूव HCl अगर HCl कम करेंगे तो ये अगेन फॉरवर्ड जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट निकालने से फॉरवर्ड जाता है और ज्यादा बनेगा, तो ये दो ऑप्शन नहीं है। तीसरी ऑप्शन है रिमूव BiCl3, अगर आप रिएक्टेंट कम करेंगे तो रिएक्शन किस तरफ आएगा? रिवर्स आएगा, तो BiOCl कम हो जाएगा, ये ऑप्शन ठीक है। एड HCl अगर HCl ऐड करेंगे तो अगेन वो फॉरवर्ड आएगा, ये भी ऑप्शन ठीक है, तो फिर ऑप्शन कौन सी हो गई? ऑप्शन एफ सी प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2A प्लस बी इट फॉर्म सी प्लस डी, कंसंट्रेशन ऑफ ऑल डबल एंड के सी इज इक्वल टू सी एंड डी is power 2 and b, concentration of all double, kc increase, kc decrease, kc become double and delta kc become half, so students our option no change। स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन जितनी मर्जी ज्यादा कर दें जितनी मर्जी कम कर दें केसी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है ही नहीं, नो चेंज। आप केसी इक्वेशन आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखी गई है, केसी इक्वेशन जो मर्जी हो नो चेंज ऑफ केसी विद चेंज इन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है विच कंबिनेशन प्रोड्यूस बफर, ऑप्शन अल्फा इज 0.1 मोलर एच आई, बफर विच हैव पी एच लेस देन 7, 0.1 मोलर एच आई प्लस NaI बीटा NH4OH प्लस NH4Cl चार्ली CH3COOH प्लस CH3COONa एंड डेल्टा इज नन। स्टूडेंट्स pH लेस देन 7 का मतलब है एसिड, एसिडिक बफर कौन सा है? ये तो स्टूडेंट्स एच आई जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का तो बफर नहीं बनता, वीक बेस और उसका साल्ट ये बेसिक बफर होगा, इसकी पीएच ग्रेटर देन 7 होगी, और वीक एसिड और साल्ट इसकी पीएच लेस देन 7 होगी, सो ऑप्शन इज ऑप्शन
चार्ली। डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ वाटर, पीएच वैल्यू इंक्रीज बीटा, डिक्रीज चार्ली, नो चेंज। स्टूडेंट्स वाटर एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयन पैदा करता है, 25 सेल्सियस पे 10^-7 10^-7 है। अगर आप 25 से टेम्परेचर काम करेंगे, ऐसे एक बात कर रहे हैं कि किसी कहीं से भी टेम्परेचर काम कर सकते हैं, तो ये हो सकता है 10^-8 हो जाए। ये वैल्यू देखने में तो बड़ी है लेकिन एक्चुअली ये नेगेटिव है तो छोटी है। जब वैल्यू कम होगी तो पीएच ज्यादा होगी, क्योंकि 7 की नेगेटिव लॉग लेंगे तो आंसर 7 आएगा, -8 से नेगेटिव लॉग लेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा, तो फिर पीएच वैल्यू बढ़ेगी। ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। और स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन पे और भी ऑप्शन लिख देते हैं, वाटर बिकम एसिडिक, वाटर बिकम बेसिक एंड वाटर रिमेन न्यूट्रल। स्टूडेंट्स क्वेश्चन फिर से देख लें कि टेम्परेचर कम करेंगे तो पीएच को क्या होगा, पीएच बढ़ेगी। अब बताएं वाटर को क्या होगा, वाटर न्यूट्रल रहेगा। स्टूडेंट्स जितनी पीएच बढ़ेगी उतनी पीओएच भी तो बढ़ेगी, यानी जितने एच पॉजिटिव आयन की चेंज आई उतने ओएच नेगेटिव आयन की चेंज आई। अगर एक सॉल्यूशन में एक ही जितने एच पॉजिटिव आयन और एक ही जितने ओएच नेगेटिव आयन डाल दें तो दोनों रिएक्ट करके वाटर बना लेंगे, तो ओवरऑल देयर इज नो चेंज, तो फिर उसकी एसिडिक और बेसिक नेचर चेंज नहीं होगी। सो ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज टेम्परेचर रिएक्शन गो फॉरवर्ड। ऑप्शन अल्फा इज पीसीएल 5, पीसीएल 3, सीएल 2, बीटा 2SO2 प्लस O2 2SO3 चार्ली एन 2 प्लस 3H2 2NH3 एंड डेल्टा इज ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स टेम्परेचर बढ़ने से कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इनडायरेक्टली हमसे ये पूछा गया है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर हम पिक कर लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि कौन सा है। स्टूडेंट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं, ये एंडोथर्मिक है। SO3 बनना इसी चैप्टर में लिखा हुआ एक्सोथर्मिक है, अमोनिया फॉर्मेशन इसी चैप्टर में लिखा हुआ एक्सोथर्मिक है, तो हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ केसी, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ केसी फॉर अमोनिया व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ N2H2R एंड अमोनिया R 2 molar एंड 4 molar। ऑप्शन इज 16, ऑप्शन बीटा इज 1/64, ऑप्शन चार्ली इज 1.0 एंड ऑप्शन डेल्टा इज 0.1। स्टूडेंट्स इसमें देखें N2 प्लस 3H2 2NH3, ये अमोनिया सिंथेसिस का क्वेश्चन है। अमोनिया सिंथेसिस में
अमोनिया फाइंड करें, तो इसमें केसी क्या होगी, अमोनिया पार टू नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की पार थ्री। स्टूडेंट्स अमोनिया क्या है, फोर, फोर की पार टू, नाइट्रोजन क्या है टू, और हाइड्रोजन क्या है टू की पार थ्री, तो फोर की पार टू सिक्सटीन हुआ, नीचे टू इंटू टू की पार थ्री एट हुआ, तो इसका आंसर क्या आ गया वन। सो योर ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आल, एसिड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आल एक्सेप्ट, ऑप्शन अल्फा इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, कांस्टेंट के ए, बीटा परसेंटेज आयनाइजेशन, आयोनाइजेशन चार्ली, पी ओ एच ऑफ एसिड, एंड डेल्टा पी एच ऑफ एसिड। स्टूडेंट्स इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ है। पीएच वैल्यू बढ़े तो एसिड स्ट्रेंथ कम होती है, और पीओएच इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फिर पीओएच के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ऑप्शन अल्फा कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग, बीटा कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस इज स्ट्रॉन्ग, चार्ली ग्रेटर आयोनाइजेशन स्ट्रॉन्ग बेस, एंड डेल्टा ऑप्शन इज ग्रेटर पीकेबी स्ट्रॉन्ग बेस। स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी ठीक है, आयनाइजेशन ज्यादा हो तो एसिड भी स्ट्रांग हो जाता है, बेस भी स्ट्रांग हो जाता है, और पीकेबी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ठीक नहीं है, हमने यही सिलेक्ट करना है, ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यू इज इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ डैश हैव सेम एच पॉजिटिव एज एच सी एल, एच एन ओ थ्री बीटा सी एच थ्री सी डबल ओ एच चार्ली एन एच फोर ओ एच एंड डेल्टा इज एच टू एस ओ फोर, यानी किस ऑप्शन का वन मोल लें तो वो एच सी एल के इक्वल आयन एच पॉजिटिव पैदा करेगा। स्टूडेंट्स अगर वन मोल एच एन ओ थ्री लेंगे तो ये वन मोल एच एन ओ थ्री रिलीज करेगा, अगर ये वन मोल करेंगे तो लेस देन वन मोल एच पॉजिटिव देगा, उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये है कि ये वीक एसिड है, ये 100% आयोनाइज नहीं होता, ये वैसे ही बेस है, और ये टू मोल एच पॉजिटिव दे देगा, तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन अल्फा। कंसंट्रेशंस पर
टू पॉजिटिव यूनिट्स ऑफ के सी आर फोर टू एन ओ टू प्लस इट गिव्स एन ओ टू प्लस ओ टू ऑप्शन बीटा एच टू प्लस एफ टू टू एच एफ चार्ली सी एल टू प्लस पी सी एल थ्री पी सी एल फाइव एंड डेल्टा टू एन एच थ्री एन टू प्लस थ्री एच टू। तो स्टूडेंट्स इसका हिंट क्या है, मोल्स पर डीएम क्यूब उसकी पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन प्लस टू कब आएगी जब प्रोडक्ट ज्यादा, प्लस तब आती है जब प्रोडक्ट ज्यादा हो, तो प्रोडक्ट इसमें ज्यादा है डेल्टा में ज्यादा है, प्रोडक्ट डेल्टा के अलावा किसी और में ज्यादा है ही नहीं, तो प्रोडक्ट फाइव है रिएक्टेंट टू है, तो आंसर कितना आ गया प्रोडक्ट फोर है और आंसर टू है, तो आंसर कितना आ गया है रिएक्टेंट माइनस टू है तो टू आंसर आ गया, तो इसकी वैल्यू प्लस टू किसके लिए आएगी फॉर ऑप्शन डेल्टा। कैलकुलेट पीएचएफ बफर, कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर व्हेन 0.1 मोलर सी एच थ्री सी डबल ओ एच एंड 0.001 मोलर साल्ट ऑफ एसिड इज यूज्ड एंड इट्स पी के ए वैल्यू इज 4.74। ऑप्शंस आर 4.74 बीटा, 3.74 चार्ली, 5.74 डेल्टा, 2.74 पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ साल्ट ओवर एसिड। स्टूडेंट्स पी के ए वैल्यू कितनी है 4.74 प्लस लॉग ऑफ साल्ट की वैल्यू है 0.001 और एसिड है 0.1। स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताता हूं, प्लस लॉग ऑफ जहां पे पॉइंट हो उसके नीचे जीरो लगा देते हैं, ये जो 0.001 है पॉइंट की जगह जीरो लगा, वन लगा दिया, जीरो 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 आगे एक दो तीन जीरो लगा दिए और ऊपर वन, अब उसका पॉइंट खत्म हो चुका है, अब नीचे है 0.1 जो नीचे है उसका वन ऊपर लगा दें, पॉइंट की जगह वन लगा दिए और आगे जीरो डिवाइडेड बाई वन, तो 10/1000 हो गया फाइनली, ये 10/100 हो गया, तो ये 10^-2 है, 10^-1 आ रहा है क्योंकि ये 1/10 बन गया, तो 10^-1 इसको अगर ले लें 4.74 लॉग ऑफ 10^-1 तो ये हो जाएगा 4.74-1 इट इज 3.74। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। व्हाट इज इनकरेक्ट इन गिवन ऑप्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक बीटा ऑप्शन। कैटलिस्ट ऑल्टर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, चार्ली केमिकल इक्विलिब्रियम मे बी फ्रॉम बोथ साइड्स एंड डेल्टा ऑप्शन इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कॉन्स्टेंट एट इक्विलिब्रियम।
स्टूडेंट यहीं से शुरू करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वाकई कांस्टेंट हो जाती है, ये ठीक है। इक्विलिब्रियम दोनों साइड से हो सकता है, ये भी ठीक है। कैटलिस्ट आल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कैटलिस्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को बिल्कुल भी आल्टर नहीं कर सकता। और केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है, ये भी ठीक है। सो इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा, ए प्लस बी, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स, सी प्लस डी, केसी वैल्यू इज टू, व्हाट इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ऑप्शन 2.5 बीटा, 2.0 चार्ली, 1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 0.4। स्टूडेंट्स के सी क्या होता है, ये होता है के एफ ओवर के आर, तो हमने के एफ मेजर करना है, के सी इंटू के आर कर दें, के एफ, सो के सी इज 2 इंटू 0.5, सो इट बिकम्स 1.0, सो ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड हमने कैलकुलेट कर लिया, अब है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए जी आई डिक्रीज बाय एडिंग अल्फा ऑप्शन NaCl, बीटा HI, चार्ली, KI, डेल्टा, बोथ बीटा एंड चार्ली। स्टूडेंट्स ये कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है, Ag पॉजिटिव और आयोडाइड नेगेटिव, इसमें आप HI डालोगे तब भी कॉमन आयन आएगा, और अगर आप इसमें पोटेशियम आयोडाइड डालोगे तो तब भी कॉमन आयन आएगा, और जब कॉमन आयन आता है तो रिएक्शन रिवर्स जाता है, सॉल्युबिलिटी कम होती है, सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा, बोथ बीटा एंड चार्ली ऑप्शंस। इफ पीकेए डिफरेंस बिटवीन टू एसिड्स ए एंड बी इज टू, एसिड विद ग्रेटर पीकेए अल्फा, इट इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग, इट इज 1000 टाइम वीक चार्ली, इट इज 100 टाइम वीक एंड डेल्टा, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स पीकेए ज्यादा है कि कम है, पहले उससे ये फैसला कर लें कि एसिड स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, एसिड स्ट्रेंथ कम होगी जिसकी पीकेए ज्यादा है, तो अगर पीकेए ज्यादा है तो वो फिर वीक होगा, फिर वो स्ट्रांग नहीं हो सकता, डिफरेंस 2 है तो 10 की पावर 2 कर दें, 100 टाइम वीक होगा, 100 टाइम वीक होगा, तो फिर ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर हाफ मोल ऑफ एन टू प्लस 3/2 मोल ऑफ एच टू एंड एन एच थ्री, के पी इज इक्वल टू के सी बीटा, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी, चार्ली के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर 1/2 एंड डेल्टा के पी इज इक्वल टू के सी आर टी अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी
इट्स पावर डेल्टा एन होना चाहिए। प्रोडक्ट कितने मोल है? 1 मोल है। रिएक्टेंट 3/2 कितना होगा? 1.5। 1/2 कितना होगा? 0.5। 1-2 तो ये -1 बचा। तो के पी इज इक्वल टू के सी की पावर -1। के पी इज इक्वल टू के सी पावर -1। तो इसमें कोई ऑप्शन भी मैच नहीं कर रही, और टी की पावर यहां पर -1 लिखनी चाहिए थी, फिर ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता। या आप इसको यूं कर दें ना, अगर ऑप्शन में से स्टूडेंट्स एक ऑप्शन ये ले लें कि के सी इज इक्वल टू के पी इन टू आर टी, तो ये फिर बिल्कुल ठीक हो जाता, क्योंकि इस रिलेशनशिप को आप अगर देखें तो के पी इज इक्वल टू के सी ओवर आर टी, जो पावर -1 थी वो +1 हो जाती है, और फिर मल्टीप्लाई होकर के पी हो जाती, तो ये ऑप्शन भी ठीक होती है, उधर माइनस लिखना चाहिए था। सो ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकरेक्ट एक्सप्रेशन इज pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14 बीटा, pOH इज इक्वल टू 14 माइनस log ऑफ H पॉजिटिव चार्ली, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट इक्वल टू 10^-14 एंड डेल्टा PKW इज इक्वल टू 14। स्टूडेंट्स यहीं से शुरू करते हैं, PKW इज इक्वल टू 14 ये बिल्कुल ठीक है। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल टू KW होता है, इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो 14 होगा, तो ये दोनों आपको आइडिया समझ आ गया। अब आप इस पे आ जाएं, पहली ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। अब देखें pH और pOH अगर 14 है तो pOH इक्वल टू 14 माइनस pH होनी चाहिए, और pOH इज इक्वल टू 14 माइनस log ऑफ H पॉजिटिव, क्योंकि pH क्या होता है? log ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो माइनस क्या हो गया? प्लस, तो ये होना चाहिए 14 प्लस log ऑफ H पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स यहां पर प्लस की जगह पे क्या लगा हुआ है? माइनस, तो यही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट इज pH ऑफ वाटर एट 40 सेल्सियस अल्फा, इट इज ग्रेटर देन लेस देन 7, pH इज इक्वल टू 7 चार्ली, 7 इज लेस देन pH डेल्टा, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स टेम्परेचर बढ़ने से pH कम हो जाती है, क्योंकि H पॉजिटिव बढ़ते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव बढ़े तो pH कम हो जाती है। अगर pH कम होगी तो फिर pH लेस देन 7 हो जाएगी। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट है कंजुगेट एसिड फॉर NH2 नेगेटिव इज अल्फा, NH4 पॉजिटिव बीटा, NH3 चार्ली, NH2 नेगेटिव एंड डेल्टा इज NH-2। स्टूडेंट्स कंजुगेट एसिड क्या होता है? बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी तो फिर वो कंजुगेट एसिड बनता है। अगर इसको एक H पॉजिटिव मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा? NH3। तो इस ऑप्शन इट्स ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। विच सॉल्यूशन काज प्रेसिपिटेशन, विच सॉल्यूशन काज प्रेसिपिटेशन व्हेन एडेड टू, PbBr2, ऑप्शन अल्फा इज NaCl, ऑप्शन बीटा इज NH4Cl, ऑप्शन चार्ली इज CuNO3 ट्वाइस एंड ऑप्शन डेल्टा इज HBr। स्टूडेंट्स HBr इसका आंसर होगा।
वो क्यों? पी बी बी आर टू, इसमें पी बी पॉजिटिव टू आयन और टू ब्रोमाइड नेगेटिव आयन, और कॉमन आयन किसकी वजह से आएगा? कॉमन आयन आएगा ब्रोमाइड की वजह से। कॉमन आयन आएगा तो ये रिवर्स जाएगा, सॉलिबिलिटी कम होगी तो प्रेसिपिटेशन होगी। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। विच ऑफ फॉलोइंग इज वीक एसिड? HNO3 बीटा, H2S चार्ली, CH3 COONA एंड डेल्टा NH4OH। स्टूडेंट्स NH4OH बेस है, चार्ली ये साल्ट है, अब ये दो ही एसिड हैं, तो HNO3 स्ट्रांग है तो H2S एक वीक एसिड है। नेक्स्ट इज 2A प्लस 3B इट गिव 3C प्लस 2D। ये एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन डिस्कस कर दी गई, इस पे इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज प्रेशर, रिएक्शन गो फॉरवर्ड, रिएक्शन गो बैकवर्ड, चार्ली नो चेंज। स्टूडेंट्स प्रेशर और वॉल्यूम गैसियस इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं, सपोज ये सारे गैसेस हैं, और ऐसी गैसेस इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल इक्वल ना हो। 3, 2, 5, 3, 2, 5 दोनों तरफ मोल इक्वल है तो यहां पे तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस y इज इक्वल टू z, KC इज 2.25, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ y, व्हाट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ y इन इक्विलिब्रियम व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स इसका KC लिखते हैं, पहले ऑप्शन लिख लें 1, 2, चार्ली इज 3 एंड डेल्टा इज नन ऑफ दीज। KC इज प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो ये हो गया z ओवर x की पावर 2 और y। स्टूडेंट्स y की कंसंट्रेशन क्या हो गई? z ओवर x की पावर 2 और KC। KC की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है? यहां पर वैल्यूज लगाते हैं, z की वैल्यू 3 है, KC की वैल्यू यहां पर 2z है, स्टूडेंट्स z की पावर 2 कर रहे हैं, 3 की पावर 2 और x स्क्वायर, यानी x की वैल्यू यहां पर गिवन है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 की पावर 2 कर लें, इनटू KC क्या है 2.4। तो स्टूडेंट्स ये टोटल कितना बन गया? ये हुआ 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, 4 इंटू 2.5, 4 इंटू 2.25, तो दिस बिकम्स 10, दिस बिकम्स 10। तो स्टूडेंट्स अब देखें 9/10, तो ये तो 0.9 आ रहा है, तो 0.9 इज अप्रोक्सीमेटली 1, लेकिन एग्जैक्टली 1 दिया गया है, अगर नन की ऑप्शन ना होती तो फिर आप 1 सेलेक्ट कर सकते थे, अब यहां पर आप 1 सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर नन की जगह कोई और वैल्यू होती तो 0.9 इज वेरी क्लोज टू 1, तो फिर आप 1 सेलेक्ट कर सकते थे। स्टूडेंट्स अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन इज दैट एक इक्विलिब्रियम है NO एंड CO2, इट फॉर्म्स NO2 एंड CO।
स्टूडेंट्स यहाँ पर NO की कंसंट्रेशन जो गिवन है इट इज 4 मोलर, CO2 की कंसंट्रेशन है 0.9 मोलर और कंसंट्रेशन ऑफ CO इज 0.8 मोलर। फाइंड KC, ऑप्शंस आर 0.2 बीटा, 0.5 चार्ली, 1.6 डेल्टा, 2.0 ईटा, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स अब आप एक बात और भी यहां से समझें कि अगर प्रोडक्ट एक्स हो और एक्स हो तो ये ए माइनस एक्स होता है, ए माइनस एक्स होता है, तो प्रोडक्ट कितना है, ये वैल्यू गिवन है 0.8, तो जाहिर है फिर एनओ टू भी उतनी ही होगी क्योंकि बैलेंस में दोनों के मोल्स इक्वल हैं। तो ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स कितना होगा, एनओ 4 है, 4 माइनस 0.8 और 0.9 माइनस 0.8, तो ये बन गया 0.1 और ये बन गया 3.2। तो स्टूडेंट्स इसकी केसी में प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट करते हैं, प्रोडक्ट इज 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 डिवाइडेड बाई 0.1 इनटू 3.2। अब स्टूडेंट्स सबके पॉइंट खत्म कर देते हैं, 8/10 मल्टीप्लाइड बाई अगेन 8/10 क्योंकि पॉइंट की जगह हमने 1 लगा दिया, नेक्स्ट 0 लगा दिया। अब आगे क्या है, 0.1 नीचे है ना, तो ऊपर 10 आ जाएगा नीचे 1 और ऊपर 10 आ जाएगा और नीचे 32। स्टूडेंट्स ये दोनों 10 कैंसिल हो गए, 64 8/8 64 डिवाइडेड बाई 32 एंड योर आंसर इज 2, ऑप्शन इज बीटा, ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पीएच ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ, पीएच ऑफ 1 मोलर मोनो बेसिक सॉल्यूशन, मोनो बेसिक एसिड इज 4, व्हाट इज इट्स के, व्हाट इज इट्स के ए, ऑप्शन इज 10^-2 मोलर। बीटा इज, स्टूडेंट्स इस पे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक ये कि कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव कितनी है और दूसरा ये कि पीएच कितनी है। तो हम कंसंट्रेशन के लिए भी लिख देते हैं, व्हाट इज के, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, ये भी लिख देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, दोनों को कर लेते हैं और ऑप्शंस लिख रहे हैं 10^-2, 10^-8 मोलर चार्ली, 10^-4 मोलर एंड डेल्टा 10^-7 मोलर, और हम उसको फिर के ए में भी सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स अब आप ये भी देखें जरा कि के ए क्या होगा, अगर कोई एसिड एच ए है और उसको वाटर से ट्रीट किया गया है तो ये होगा एच थ्री ओ पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव, के ए इज एच थ्री ओ पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव ओवर एच ए। स्टूडेंट्स ये ए है, ये बी है, जीरो है, जीरो है, लेकिन ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, एक्स और एक्स, तो ये एच थ्री ओ पॉजिटिव की जगह क्या आ गया, एक्स और एक्स, और ए की जगह क्या आ गया, ए एच ए की जगह ए माइनस एक्स, और के ए आपने मैयर करनी है। अब अगर ये बड़ा वीक एसिड है उसकी पी एच फोर होने का क्या मतलब होता है, स्टूडेंट्स पी एच फोर होने का मतलब है के नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव की वैल्यू 10^-4 आई थी, यानी एच पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आई थी 10^-4,
तो ये हमने देख लिया कि कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव कितनी है। अगर ये 10^-4 है तो फिर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर ओवर ए और ए माइनस एक्स ए ओवर वन आ जाएगा, के ए अंडर रूट। तो आप एक्स स्क्वायर ले लें उससे आपको के ए की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर आप एक्स की वैल्यू यहां से लेना चाहते हैं कि एक्स कितना है तो फिर भी आपको वो वैल्यू मिल जाएगी, फिर अंडर रूट ऑफ के ए ले लेंगे। स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के ए आई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी, x की वैल्यू हमने फाइंड की h पॉजिटिव की, इट इज 10^-4। तो 10^-4 इनटू 10^-4 इट बिकम्स 10^-8। अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ h पॉजिटिव लेना चाहते हैं तो ये 10^-4 है, और अगर आप ka की वैल्यू लेना चाहते हैं तो इट इज 10^-8, इट इज वैल्यू ऑफ के ए। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस आ गई हैं। स्टूडेंट्स आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, एंड दैट क्वेश्चन इज, अब हम सिर्फ तीन और क्वेश्चंस लिखेंगे और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स वो। फर्स्ट इज पीकेबी ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, पीकेबी ऑफ एक्वस NH3 is 4.8. What is its pKa? What is its pKa value for NH4 positive ions? Students, options are -4.8, beta 4.8, Charlie 9.2, and option delta is 2.2. Students, hint क्या है? Hint ये है कि pKa plus pKb is equal to 14. हमें given क्या है? pKb. Find क्या करना है? pKa. 14 minus pKb. तो 14 minus 4.8, एंड इट्स आंसर इज 9.2, एंड ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज H2I2 2HI, के पी वैल्यू इज गिवन 50 एट STP. What is Kp value at 2 ATM? Option is 50, 100, 25, 150. Students, Kp क्या है? Equilibrium constant है. STP इसमें pressure कितना है? 1 ATM है. और अब अगर आपने 2 ATM कर दिया है तो अब क्या होगा? अब प्रेशर डबल हो जाएगा, प्रेशर डबल हुआ तो प्रेशर का तो केपी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। लास्ट एमसीक्यू इज इनकरेक्ट फॉर H2O एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, H पॉजिटिव इक्वल टू OH नेगेटिव, बीटा pH इज इक्वल टू 7, चार्ली kW इज इक्वल टू 10^-14, एंड डेल्टा kW इज इक्वल टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव ओवर वाटर। स्टूडेंट्स ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, pH 7 होती है 25 पे, ठीक है, ये इक्वल टू 14 होता है 10^-14, ये भी ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय वाटर नहीं, वाटर को केसी से मल्टीप्लाई करके ही तो kW बनाया था, यहां पे वाटर होने की वजह से ये गलत हो गया है। स्टूडेंट्स हमने पूरे यूनिट के MCQs को प्रैक्टिस किया है, आई होप सो के क्वेश्चन सॉल्विंग हिंट के तौर पर आपके लिए ये बड़े हेल्पफुल होंगे। अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स
वेट फॉर द नेक्स्ट यूनिट दैट इज काइनेटिक्स. टिल देन अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम.